सबको नमस्कार, मेरा नाम सुनील मानपड़े। हम कमरेड मारुति मानपड़े और सेवा संघ कलबुर्गी से और कर्नाटक राज्य रैत संघ और युवजन सेवा संघ से बात कर रहे हैं। आज हम प्रेस मीट करने का मेन मुद्दा है कि 2020 सातवें महीने में कर्नाटक सरकार गए सरकार बीजेपी सरकार में सोशल फेयर डिपार्टमेंट के 140 वार्डन का नेमकाती हुआ था, वो भी केपीएस की तरफ से। 140 में 60 कर्नाटक के हैदराबाद कर्नाटक के कैंडिडेट्स और 80 जो है ना कर्नाटक के कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन हुआ। 140 में जो नेमकाती हुआ उसके अंदर अफजलपुर के 18 लोग इलेक्ट हुए हैं और बाकी 30 जो है ना गुलबर्ग के डिस्ट्रिक्ट के। तो टोटल 60 जो हो कर्नाटक से रुंद में जो 80 जो नेमकाती हुआ उसके अंदर 60 लोग 3 जिले से, एक गुलबर्गा, एक बीजापुर, एक बेलगांव से। उसके अंदर 18 लोग क्या है स्टेट लेवल रैंकिंग में अफजलपुर वाले हैं। तो क्या समझ में आ रहा है कि ये पूरा बड़ा स्कैम हुआ। 80 लोगों का स्टेट लेवल रुंद में जो है ना वो 80 के 80 पैसे दे के पास हुए, चीटिंग कर सामूहिक नकल हुआ बोल के हम बोल रहे हैं। और कल्याण कर्नाटक में 60 जो सीट है वो भी नकल हुआ बोल के इसके ऊपर समझ में आ रहा है। जैसे PSI नेमकाती हुआ था परसों के जैसा अक्रम हुआ, वो भी ये भी पूरा अक्रम हुए सो है। ये पैसे लेके पूरे 140 वार्डनों का सामूहिक नकल हुआ सो है। ये जो एग्ज़ाम हुआ, ये एग्जामिनेशन और आगे आते सो उनको आदेश देना बोल के जो ऑर्डर देने का है ऑर्डर रुकाना और ये पूरा आदेश रुका बंद करके नया नोटिफिकेशन करना बोल के हम सरकार को आग्रह कर रहे हैं। नहीं तो हम प्रतिभट करना बोल के हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं। और सरकार बोली सो हमारी सर हम जीत के लाए सो सरकार बोली से हमारा छठवा जो डिमांड है आज आरने गारंटी जो है ना हम बीजेपी का भ्रष्टाचार बाहर लाते बोल के बोले ये भी बड़ा भ्रष्टाचार है। एक 40 लाख 50 लाख रुपए एक ले के आप एक एग्ज़ाम कराते पास कराते बोले तो प्रतिभावान बच्चे पढ़े से बच्चे क्या करना। तो ये 140 लोग है पूरा स्कैम करे सो ये एग्जामिनेशन रद्द करना, नया एग्जामिनेशन करके हॉस्टल वार्डन का नेमकाती करना बोल के हम आग्रह कर रहे हैं सरकार से।